এখন পর্যন্ত দরগার ভিতর পানি ঢুকে নেই। উনি মারা যাওয়ার পরে বলেছে যে ওনাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য জায়গায় উনি ইবাদত করতেন। সব ধর্মের লোকজন যায়, ধর্মীয় জীবনকে বেছে নিয়েছে। আমরা চলে এলাম আবারও ঘোরাঘুরি করতে, ঘুরে বেড়াতে, আপনাদের সঙ্গে ভিডিও দেখতে। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখবো সেই ভিডিও টাইটেল হচ্ছে হাজি আলী দরগা মুম্বাই মিরাকেল স্টোরি অ্যান্ড হিস্টোরি ইন হিন্দি। তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি মাই ইন্ডিয়া চ্যানেল থেকে, ইউটিউব চ্যানেল থেকে। তো ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি লিঙ্ক আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন আমরা দেখে আসি এই হাজি আলী দরগা। अली शाह दरगाह, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का सार अच्छी तरीके से समझ पाए। दक्षिणी मुंबई के वर्ली तट से कम 500 गज दूर अरब सागर के बीच एक तट पर 4500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली यह अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ आपसी प्रेम और भाईचारे से धागा बांधकर मन्नत मांगने आते हैं। 15वीं सदी की शुरुआत अर्थात 1431 में बनी हाजी अली शाह बुखारी की यह दरगाह हमेशा से ही रहस्य के घेरे में घिरी रहती है। सवाल यह है कि समुद्र में आने वाले तूफान और ज्वारों से उठने वाली विशालकाय लहरें आसानी से किसी भी भवन को चुटकियों में निस्तनाबूद कर सकती हैं, लेकिन आज तक यह तूफान और लहरें इस दरगाह का बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाई हैं? इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है दरगाह तक जाने वाला सीमेंट का एकमात्र मार्ग जो समुद्र में ज्वार आने के समय पानी में पूर्ण रूप से डूब जाता है और इसे तत्कालीन बंद करना पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ज्वार में उठी पानी की इतनी ऊंची लहरों की एक बूंद भी दरगाह के अंदर नहीं जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में जहां विज्ञान के पास लगभग हर चमत्कार का वैज्ञानिक तर्क होता है, वह भी दरगाह के इस चमत्कार के आगे अपने घुटने टेक चुका है। आइए जानते हैं इस चमत्कारी दरगाह का रहस्यमय इतिहास। एक बार पीर हाजी अली शाह उज्बेकिस्तान में एक वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहाँ से एक महिला रोती हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वह तेल लेने गई हुई थी, लेकिन बर्तन के गिर जाने के कारण उसका तेल गिर गया, अब उसका पति उसे मारेगा। पीर उसे लेकर उस स्थान पर गए जहां पर तेल गिरा था और हाथ का अंगूठा जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और बर्तन भर गया। लेकिन इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में धंसाकर पृथ्वी को जख्मी कर दिया है। उसी दिन से वह गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इसके पश्चात इन सब से बचने और व्यापार करने के लिए हाजी अली शाह अपनी माँ से इजाजत लेने के बाद अपने भाई के संग मुंबई की उस जगह पर पहुँच गए जो दरगाह के करीब थी। कुछ वक्त के बाद उनका भाई वापस लौट गया और हाजी अली शाह लोगों में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत में ही रह गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माँ को खत लिखकर यह गुजारिश की कि उज्बेकिस्तान में उनके हिस्से की संपत्ति को बेचकर गरीबों के भरण पोषण और उद्धार में लगा दिया जाए। कहा यह भी जाता है कि हाजी अली शाह अपने समय के काफी बड़े व्यापारी थे, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने व्यापार और आराम युक्त जीवन को त्याग कर एक संत की भांति जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। इसके पश्चात पीर हाजी अली शाह अपना सारा धन गरीबों में बांटने के पश्चात हज के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। दुर्भाग्य से इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि मरने के बाद उनको दफनाया ना जाए बल्कि उनके कफन को समुद्र में ही डाल दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई की उसी जगह पर आकर रुका जहां वे रहा करते थे और यह अपने आप
आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार था। इसके पश्चात उनके अनुयायियों ने इसी जगह पर हाजी अली शाह बुखारा की दरगाह का निर्माण कराया। शायद यह प्रकृति की गोद में उत्पन्न हुआ वह अद्भुत करिश्मा था कि जिसने यह बता दिया कि हाजी अली शाह एक सच्चे व नेक इंसान थे। शायद यही कारण है कि सन 1431 से अब तक कोई भी तूफान, कोई भी ज्वार की लहरें दरगाह का बाल भी बांका नहीं कर पाई हैं। दरगाह के दिलकश नजारों की बात की जाए तो पानी की लहरों के बीच सफेद रंग से उज्जवल हाजी अली शाह दरगाह बेहद दर्शनीय लगती है। मुख्य परिसर में पहुंचने पर आपको रंगीन कांच की नक्काशी से लैस स्तंभ नजर आएंगे जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस दरगाह के चारों ओर चांदी के खम्भों का दायरा बना हुआ है जो बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपकी नजर में दरगाह चमत्कारी है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आ गई हुई वीडियो पसंद तो दबा दीजिए लाइक। इस बार टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को एक्चुअली हाजी अली दरगाह जेटा मुंबई है सेटा छे मुंबई जे बीच আছে হ্যাঁ সাগরপাড়া তীর থেকে 500 মিটার দূরে এবং এটা 1431 সালে দিকে তৈরি হয় এবং এখন পর্যন্ত দরগার ভিতর পানি ঢুকে নেই। এত ঝড় বন্যা অনেক কিছু হয়েছে, জলোচ্ছ্বাস হয়েছে, কিন্তু দরগার ভিতরে কখনো পানি ঢুকে নেই। হ্যাঁ, এটা একটা চমৎকার বলছে এবং তার মৃত্যুটাও কিন্তু সেরকম রহস্যজনক। কারণ হচ্ছে যে উনি মারা যাওয়ার পরে বলেছে যে ওনাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ নর্মালি তো কবর দেয়, সেক্ষেত্রে ওনাকে কিন্তু কবর দেওয়া হয়নি, ওনাকে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর উনি ও জায়গাতেই আবার ফিরে এসছে ওনার যে মৃতদেহ, যে জায়গায় উনি ইবাদত করতেন আর কি, যে জায়গাতে উনি ইবাদত করতেন, তো ওই জায়গাটাকেই আর কি পুণ্য তীর্থস্থানের মতোই, তো সবাই সেখানে যায়। তো এটা একটা সব ধর্মের লোকজনই যায়, তো এটা একটা ভালো দিক না, একটা সবাই সেখানে যে তাদের নিজস্ব আরাধনাই করছে এবং সেখানে সবাই কিন্তু দাগা বাঁধার মতো দেখলাম যে কিছু বাঁধছে সেখানে। এবং হাজি আলীর যে জীবনী সেটা সম্বন্ধে এখানে বললো যে সে আসলে উজবেকিস্তান থেকে এখানে এসেছিল এবং এখানে এসে সে ধর্ম প্রচার করছিল এবং সে কিন্তু একজন বড় ধরনের ব্যবসায়ী ছিল, সেটাও এখানে বলা হয়েছে যে উনি একজন ব্যবসায়ী ছিল কিন্তু ব্যবসা জীবন ছেড়ে দিয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনকে বেছে নিয়েছে এখানে। এবং তার সম্পত্তি কিন্তু সে সবকিছু হচ্ছে গরিবদের মাঝখানে ভাগ করে দিয়েছে। তো আমরা এখানে হাজি আলীর যে দরগা সেটা দেখলাম এবং হাজি আলীর জীবনের সম্বন্ধে জানলাম এই ভিডিওতে। এছাড়া এই রাতের বেলা এই দরগাটা অনেক সুন্দর দেখা যায়, সমুদ্রের পাড়ে কিন্তু এটা আসলে অনেক সুন্দর দেখাবে। এবং যে রাস্তাটা আছে দরগা পর্যন্ত যাওয়ার, এই রাস্তাটা কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে যায়, তো সেটা কিন্তু আসলে একটু ভয়ঙ্কর। বাট দরগাটা কিন্তু তলায় না, তো সেই ক্ষেত্রে যখনই রাস্তাটা দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করে তখন নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে সেই ধরনের এক্সাইটমেন্ট কাজ করে যে এই জায়গাটা খুবই সুন্দর হবে, এটা সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এরকম একটা ফিলিংস আসবে না? অনেক সুন্দর হবে। এবং এই হাজি আলীর দরগার যে ছবি সেটা আমি আসলে অনেক আগে অনেকবার দেখেছি কিন্তু কখনো আসলে রিয়েলাইজ করিনি যে এটা আসলে মুম্বাই কিংবা কি ইতিহাস সেটা জানার চেষ্টা করিনি। আজকে এই ভিডিওটা দেখে আমি আসলে এই প্লেস এবং এই হাজি আলীর দরগার সম্বন্ধে জানলাম। তো আজকের এই ভিডিওর উপরে আমাদের রিয়েকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।